और अब बात कांवड़ यात्रा की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर विवाद जारी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ रूट पर सभी दुकानों पर दुकान मालिकों का नाम लिखने के आदेश दिए, जिसके बाद से इस पर विवाद खड़ा हो गया है। हर पार्टियां, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस पर राय दे रही है, लेकिन अब ये मामला पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, देखिए मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है कि कांवड़ रूट पर अगर आप अपनी दुकान लगाते हैं, रेड़ी पटरी होटल, जिस पर भी उसको आप पर उस पर आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कितने बजे इस पर सुनवाई है? जी देखिए नीलू, निश्चित रूप से जो याचिका लगाई गई है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिस फैसले में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग में जितनी भी दुकानें हैं उस पर उनके नाम को दर्शाना होगा, ये आदेश दिया है। और इस पूरे मामले को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एनजीओ ने कहा है कि ये जो फैसला लिया गया है यूपी सरकार के द्वारा, ये फैसला फिलहाल संविधान के आर्टिकल 14, 21 और 19 को वायलेट करता है, समानता के अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन है, लिहाजा इस पूरे आदेश को रद्द किया जाए। जो याचिका दाखिल की गई है उसमें उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से भी ऐसा आदेश जारी किया गया है। तो इन तमाम पहलू पर अब जस्टिस ऋषिकेश राय की जो बेंच है वो आज इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी करेगी और संभवतः 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि जो याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है उस पर तो सुनवाई होगी, लेकिन इसके आधार पर दो और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें सीधे तौर पर इसी मुद्दे को उठाते हुए यह कहा गया है कि जो यूपी सरकार का और उत्तराखंड सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस तरह का आदेश समानता के अधिकार को वायलेट करता है। तो अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले पर आज सुनवाई करता है तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, और ऐसे में उत्तराखंड सरकार का इस पूरे मामले पर क्या पक्ष होगा, यह भी देखना बेहद अहम होगा। लेकिन हमें भी इंतजार करना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत कब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करती है। हालांकि विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार पर नजर बनी रहेगी। सुशील, आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।